स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कोलिजन थ्योरी कंप्लीट की थी और मैं आपको बताया था कि कोलिजन थ्योरी के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और किन किन चीजों के ऊपर हमको कोलिजन थ्योरी के अंदर फोकस करना चाहिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप जानते हो बाय द नेम ऑफ अरेनियस इक्वेशन। ठीक, तो ये इक्वेशन हमको सिखाया गया, नाम से पता लग रहा है कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर रिएक्शन की रेट चेंज होती है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सिंपल चीज डिस्कस कर लूं, अगर मैं किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाहूं, रेट, तो रेट को लिखता हूं के इनटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन। यहां पर एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं क्या करूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर ली है, फिक्स कर ली है। बताओ अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर ली तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? के करेगी। अब अगर जिस जिस चीज पर के डिपेंड करेगा उसी चीज पर क्या होगी, आपके रिएक्शन की रेट भी डिपेंड करेगी। तो होता क्या है, ये जो के होता है, जो रेट कांस्टेंट के होता है, ये आपका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो सिंस ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो रिएक्शन की रेट भी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। जैसे जैसे के चेंज होगा वैसे वैसे रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, चेंज। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है तो रेट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने पर के कम होता है तो रेट भी क्या होगी, कम होगी। तो के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसको हमें बताया था अरेनियस ने। किसने बताया था? अरेनियस ने। तो अरेनियस ने हमें बताया कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और वो जो उसने इक्वेशन दिया उसको हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। तो देखो अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है के, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ए आपको दिखाता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस ए को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं, और अरेनियस कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। ई ए बताओ ई ए क्या है? वेरी गुड, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आर, आर क्या होता है? आर इज योर गैस कांस्टेंट, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। एन टी, टी इज योर टेम्परेचर। ये आपका अरेनियस इक्वेशन है, और ये इसमें अलग अलग टर्म्स का मतलब और उनका सिग्निफिकेंस, के इज रेट कांस्टेंट, ए इज अरेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, R is gas constant, T is temperature, जिसको आप यहां पर केल्विन में यूज करोगे, E is activation energy, ठीक है? चलो अब देखो कैसे बताता है इक्वेशन कि टेम्परेचर चेंज करने पर K की वैल्यू कैसे चेंज होगी। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बोलता हूं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ E A अपॉन R T की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। देखो ये इनवर्स है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये अपॉन आर टी क्या होता है, डिक्रीजेस। मैं लिख सकता हूं अगर ये अपॉन आर टी डिक्रीज होता है तो बताओ माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतना तो हम जानते ही है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम होगी, अगर ई ए अपॉन आर टी कम होगा तो माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ अगर माइनस ई अपॉन आर टी बढ़ेगा तो ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि सिंस माइनस ई ए अपॉन आर टी बढ़ रहा है तो अगर ई की पावर में चला गया तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और बताओ अगर ये वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब के भी क्या होगा, के भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट कांस्टेंट के लिए भी क्या होती है, इंक्रीज। तो बस यही आपका आरएनसी के में दिखाता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट
ऑलवेज इंक्रीजेस. किसी भी रिएक्शन का टेंशन बढ़ाने पर रेट कॉन्स्टेंट के की हमेशा क्या होती है, इंक्रीज. एंड देयरफोर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो डिपेंडेंसी होती है रेट ऑफ रिएक्शन की ऑन टेंचर. अगर आप टेंचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी. के की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, इंक्रीज. ठीक, ये पहली चीज जो हमको आरएनएस इक्वेशन सिखाता है. दूसरा, अब हमको थोड़ा सा आरएनएस इक्वेशन का ट्रीटमेंट करना होगा और एक दो मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने होंगे जिनको हम यहां पर यूज करेंगे. तो आओ बढ़ते हैं उसी तरफ. मैं इस आरएनएस इक्वेशन को यूज करने जा रहा हूं और इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं. चलो इक्वल्स टू बना a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बनेगा. मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले रहा हूं ना, बेस टू द ई वाला. तो मैंने इधर लिखा ln k इक्वल्स टू ln ऑफ a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी लिखूंगा. तो देखो क्वेश्चन क्या बना, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln a इंटू बी. ln a इंटू बी क्या बन गया, ln a प्लस ln b. b कितना, e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी बनेगा. फिर देखो आगे, ये ln k इज इक्वल टू ln a. log की प्रॉपर्टी होती है, पावर कहां जाती है, आगे. तो बनेगा माइनस ए अपॉन आर टी इंटू ln e. बताओ ln e कितना हो जाएगा, 1. इक्वेशन क्या बन गया, ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ea अपॉन आर टी. वैसे लिख रहा हूं ea अपॉन r इंटू 1 अपॉन t. ऐसे लिखने का मेरा रीजन क्या है कि मुझे यहां पे दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा k. तो मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूंगा. ग्राफ बताओ किस किस वेरिएबल के बीच बनेगा, ln k और 1 अपॉन t के बीच में. तो देखो मैं यहां ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन ln k एंड 1 अपॉन t. बताओ ग्राफ का नेचर, ये तो लगा y एक्सिस तरफ से लिखूंगा y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस mx और c. तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट. तो अगर आप ln k और 1 अपॉन t में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट. और इसकी जो स्लोप होगी, बताओ वो स्लोप किसके इक्वल होगी, माइनस ए अपॉन आर के. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ग्राफ. डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राफ देकर, ये ln k और 1.2 में ग्राफ ये है, इसकी स्लोप कितनी है, बताओ इसकी एक्टिव एनर्जी कितनी होगी. तो स्लोप को ए अपॉन आर से कंपेयर कर लो, आप रिएक्शन की एक्टिव एनर्जी का कैलकुलेट कर सकते हो. अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको देखना. अभी एक और रिलेशन देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये ln k और 1 अपॉन t में ग्राफ. वो ln k की जगह log टू द बेस 10 k में ग्राफ बनाए तो बताओ क्या डिफरेंस आएगा. तो डिफरेंस देख लेते हैं, हमारा इक्वेशन है कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt. बताओ ln k को log के अंदर बदलो तो 2.33 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.303 log to the base 10k is equals to 2.303 log to the base 10a minus a upon rt. दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन क्या बनेगा, log to the base 10k is equals to log to the base 10a minus a upon 2.303 r into 1 upon t. बोले बनेगा. अब बताओ, अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बिटवीन log टू द बेस 10k एंड 1 अपॉन t, फिर से देखो ये क्या बन गया, y, ये क्या बन गया, x. ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ अब भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, लेकिन डिफरेंस किस में आएगा, स्लोप. बताओ इस बार स्लोप किसके इक्वल होगी, दिस टाइम स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 r. यही डिफरेंस है जो आपसे गलती करवाएगा. अगर ग्राफ ln k और 1 अपॉन t के बीच में है तो स्लोप कितनी लगेगी, माइनस ये अपॉन r. अगर ग्राफ
log to the base 10 के और 1 upon t के बीच में है, तो इसमें कितनी बनेगी minus a upon 2.303 r. आर ये बात समझ में, तो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. वेरिएशन आपको दिख रहा है कि log के और 1 upon t का वेरिएशन कैसा है, तो एक बार आप इसे कॉपी करो. मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूं और देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन से डील करते हैं. तो देखो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इसने ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ बिटवीन log k एंड 1 upon t. देखो 10 लिखाना जरूरी नहीं है, log k लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है कि वो क्या है, log to the base 10. t लिखना तो ln लिखेगा, तो ln और log में डिफरेंस याद रखना. मैं जरूरी है बार बार 10 लिखूं, log k लिख दिया मतलब उसका बेस 10 है ही है. ठीक, ग्राफ दिया है कुछ ये, और बोल रहा है एंगल है 135 डिग्री. ठीक, आपसे पूछ रहा है बताओ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, और यूनिट बतानी है आपको कैलोरीज के अंदर. ठीक, चलो तो करें इस क्वेश्चन का सॉल्व. ये मैं ग्राफ दिया है log 10 के और 1 upon t, देखो अभी तो आपने टॉपिक पढ़ा है, ताजा ताजा है, इसलिए क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, मतलब बाद में आप करोगे तो क्लिक नहीं करता, इसलिए ध्यान रखना. log 10 के और 1 upon t, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि log 10 के इज इक्वल टू क्या बनता है, log द बेस 10 a माइनस a अपॉन 2.303 r इनटू 1 upon t. इसकी स्लोप है, पर उसकी स्लोप कितनी है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 10 135, और 10 135 के लिए कितनी आती है -1, ये तो आपको पता ही है. ठीक, यानी इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, इस ग्राफ की स्लोप है -1, तो स्लोप को ये के इक्वल कर दो, तो देखो ये क्या बन गया, -1 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर. लिख सकता हूं ना इस ग्राफ के स्लोप को, और हमारे हिसाब से स्लोप आने चाहिए, उनको मैं इक्वेट कर रहा हूं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2.303 इंटू आर. अब बताओ मुझे एक्चुअली किस यूनिट में बतानी है, कैलोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आर की वैल्यू आप वही रखोगे जिस यूनिट में आपको आंसर देना है, अगर आपको आंसर जूल्स में देना होता तो आप आर के लिए क्या यूज करते, 8.314, लेकिन आपको यहां पर एनर्जी किस में बतानी है, कैलोरीज में, तो आप आर के लिए क्या यूज करोगे, 2 × 2 कर दो, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4.606 कैलोरीज. कर सकते हैं, तो इस तरह से आपसे आरएनएस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है, कि ग्राफ बनाकर दे देगा, उसकी स्लोप बता देगा, और आपसे पूछ लेगा कि भैया बताओ एक्टिव एनर्जी रिएक्शन की कितनी होगी. तो कर सकते हो, कोई डाउट. वो आपसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी पूछ सकता है, ए ये जो इंटरसेप्ट है, अगर वो इंटरसेप्ट के लिए दे दे तो इंटरसेप्ट किस तरह हो जाएगा, log to the base 10 a. खैर इसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस ज्यादा होते हैं एक्टिव एनर्जी पूछे जाने के. क्लियर, चलो तो इस तरह से हम आरएनएस इक्वेशन का एक टाइप यूज करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. फिर तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे यही डिस्कस कर लेता हूं, हमने आरएनएस इक्वेशन को पढ़ ही लिया है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी. देखो ये क्वांटिटी बोलते हैं यूनिटलेस, ये पूरी क्वांटिटी, ठीक, इसकी इंडिया कोई मतलब नहीं है. यहां पर हम बात करें k और a, अब a की यूनिट किस पर डिपेंड करेगी, k, यानी जो k की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, a की. तो ध्यान रखना आरएनएस फैक्टर हैज द सेम यूनिट एज द रेट कॉन्स्टेंट and it depends on order of reaction. क्योंकि क्योंकि k की जो यूनिट होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे डिपेंड करती है, तो जो k की यूनिट वही a की यूनिट, इसलिए a की यूनिट भी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी. तो कभी कभी ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये बताओ a की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है या फिर नहीं करती, तो a की यूनिट k के ऊपर डिपेंड करती है और k की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है, इसलिए a की यूनिट भी ऑर्डर पे डिपेंड करेगी. चलो ये हुआ पहले टाइप ऑफ न्यूमेरिकल और आरएनएस इक्वेशन. दूसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो हम यहां कर सकते हैं, देखो उसकी बात करते हैं, हम वापस से इस इक्वेशन का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं. अभी हमने देखा
अगर इस इक्वेशन को अगर लॉग फॉर्म में लिखो तो लॉग टू द बेस 10 के इज इक्वल टू क्या बन रहा है, लॉग ए माइनस पी ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी बन रहा है। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं, हम दो अलग अलग टेंपरेचर ले रहे हैं। मान लो एट टेम्परेचर टी वन जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है के वन, और एट टेम्परेचर टी टू मान लो के की वैल्यू कितनी है के टू। तो मैं इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, देखो मैं लॉग के वन इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस पी ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी वन लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन वन, मैंने क्या किया इस इक्वेशन में टी और के की वैल्यू प्लेस कर दी। देखो ध्यान देना ए और ए टेम्परेचर के साथ हम इनका चेंज कंसिडर नहीं करते हैं, ए और ए चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर के साथ लेकिन हम लोग इसका चेंज कंसिडर नहीं करेंगे। तो एकदम टेम्परेचर वैरी कर रहे हैं तो हम सिर्फ के को वैरी करेंगे, हम ए और ए को वैरी नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना हम ए यानी अर्नेस्ट फैक्टर और ई ए यानी एक्टिव एनर्जी का चेंज कंसिडर नहीं करते हैं। चलो तो लॉग के वन इक्वल टू गया लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। सिमिलरली लॉग के टू इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। ये क्वेश्चन टू, तो मुझे के वन और के टू को रिलेट करना है तो आप क्या करो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर दो। सॉरी टू माइनस वन करोगे देखो लॉग के टू माइनस के वन इक्वेशन बनेगा लॉग के टू माइनस लॉग के वन इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से देखो पी ए अपॉन 2.303 आर तो कॉमन आ जाएगा, ये प्लस तो बचेगा वन अपॉन टी वन यानी ये बचेगा वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। लॉग के टू माइनस लॉग के वन इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर इंटू वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। अगर हम फाइनल इसको अरेंज करके लिखें तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉग के टू अपॉन के वन, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग के टू बाय के वन इक्वल टू क्या बन गया ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। मेरा एक फाइनल इक्वेशन है जो मुझसे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहेगा कि लॉग टू द बेस 10 के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 आर इंटू वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है टी टू हमेशा टी वन से बड़ा होगा, यानी आपको जो भी जो टेम्परेचर दिया हुआ है उनमें से बड़ी वैल्यू को आप टी टू मानोगे और छोटी वैल्यू को आप कितनी मानोगे टी वन बोलो कर सकते हैं। तो अगर आप इसे कॉपी करो मैं आपको इसको भी यूज करना सिखाता हूं, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो टेम्परेचर को वेरी करवा के आपसे के की वैल्यू पूछ सकता है। तो बोलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको यूज करना सिखाता हूं आपको इस इक्वेशन को आप कैसे यूज करोगे। तो क्वेश्चन कह रहा आपसे कि द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स फोर टाइम्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल। ठीक, आपको किलो जूल पर मोल में रिएक्शन की एक्टिवेशन जी बतानी है। ठीक, किलो जूल पर मोल लिख लो उसको। और आपको कुछ डेटा दिया हुआ है कि टेम्परेचर अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो जाता है फोर टाइम्स। ठीक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आप जानते हो, रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये कह रहा है कि
कि टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको मान लो टेम्परेचर T1 क्योंकि छोटा टेम्परेचर है, T2 कितना आ जाएगा बताओ, 47 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर T1 से T2 जाने पर रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब अगर ये पहले था K1 तो बताओ K2 की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 4K1 लिख सकता हूं, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि K2 / K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक काम कीजिएगा, चलो दूसरा, आप जब भी इक्वेशन को यूज करोगे टेम्परेचर आप कौन सा किस में यूज करने पड़ेंगे, केल्विन्स में, तो टेम्परेचर को बदल लेते हैं, बताओ टेम्परेचर T1 तो कितना हो गया 300 केल्विन और टेम्परेचर T2 कितना हो गया, ये हो गया 320 केल्विन, कर सकते हैं कैलकुलेट। चलो T1 आ गया, T2 आ गया, तो इक्वेशन यूज करो log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मुझे EA कैलकुलेट करना है, चलो सारी वैल्यूज प्लेस करता हूं, प्लेस करूंगा, बताओ log K2 / K1 के लिए कितनी हो गई, 4 पे बन गया log 4 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू, बताओ R के लिए क्या यूज करूं, आंसर किसमें देना है, जूल्स के अंदर, R के लिए क्या यूज करूंगा, 8.314 इंटू 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 320। बताओ क्या मैं इसे क्वेश्चन में सॉल्व करके ईए के लिए निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, एक बार ईए आ गया तो ईए आएगा जूल्स में, लेकिन आपको आंसर किसमें देना है, किलो जूल में, तो उसकी वैल्यू को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से। तो कैलकुलेशन का काम आप कर सकते हो, उसको कैलकुलेट करके आप ये कैलकुलेट कर लेना, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, तो वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 55.33 किलो जूल पर मोल। आगे बात समझ में, इसी तरह से आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, अलग अलग तरीके हैं बोलने के। देखो कभी कभी ना आपसे ऐसा बोल देगा कि अगर आपने टेम्परेचर को 25 से मान लो 70 किया तो रिएक्शन की रेट डबल हो गई, रिएक्शन की रेट डबल होने का मतलब क्या है, उसका रेट कॉन्स्टेंट ही क्या हो गया है, डबल हो गया है, तो K2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K1। तो बस लैंग्वेज डिपिक करनी है आपको, लैंग्वेज में कुछ नहीं बोल सकता है, डायरेक्ट बोल देगा रेट कॉन्स्टेंट डबल हो गया, या फिर ऐसा बोल देगा कि रिएक्शन की रेट डबल हो गई है, और भी कई तरह की लैंग्वेज बोलता है। चलो एक और क्वेश्चन करवाता मैं आपको, इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर करेगी, वहां पर भी आपको देखना होगा कि कैसे वो आपको टेम्परेचर का वेरिएशन दे रहा है। देखो अगला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना होगा ना, लॉजिकली जाना होगा, यहां तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी होगी, आपको खुद सोचना होगा कि K2 K1 कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि ऑरेंज जूस, इट आपके पास ऑरेंज जूस है, गेट्स स्पॉइल्ड इन 5 आवर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ऑरेंज जूस को 27 डिग्री सेल्सियस पर खराब होने में कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स। इफ केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर एट 7 डिग्री सेल्सियस इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 15 आवर्स, ठीक है। 7 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप एक फ्रिज में इसको रख लो तो आप उसको कितनी देर तक रख सकते हो स्टोर करके, 15 आवर्स, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, खराब। आपको बतानी है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द स्पॉइलिंग ऑफ जूस, ये जो आपका जूस स्पॉइल हो रहा है जिस रिएक्शन के थ्रू, उस रिएक्शन की आपको यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो एक टेम्परेचर 27, दूसरा टेम्परेचर 7, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब आपको के को रिलेट करना, देखो बड़ा आसान है रिलेट करना कि भाई जब आपका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस तो उसको टाइम कितना लग रहा था, 5 आवर्स, ठीक। जब टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तो टाइम कितना लग रहा है, 15 आवर्स, यानी यहां पर इसकी रेट क्या थी, ज्यादा, इसलिए कम टाइम में जल्दी स्पॉइल हो रहा था, यहां इसकी रेट क्या हो गई, कम, यानी अब ज्यादा टाइम लग रहा है उसी चीज को स्पॉइल होने में, तो रेट्स में चेंज आ गया है। देखो ये टेम्परेचर हायर है इसको मैं बोलूंगा T2, ये टेम्परेचर लोअर है इसको मैं क्या बोलूंगा T1,
यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी 3 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन एट 7 डिग्री सेल्सियस। ये लिख सकता हूं क्योंकि देखो टाइम कितना आ रहा है, 1/3 हो गया ना, 7 डिग्री पे तो 15 आवर में खराब हो रहा है जबकि 27 पे कितनी देर में खराब हो जाएगा, 5 आवर्स में। यानी इन दोनों की रेट, इन दोनों की रेट में 3 का डिफरेंस है। 27 का जो रेट है वो 7 डिग्री रेट की 3 टाइम्स होगी। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि K27 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K7। रेट कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी 3 टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट एट 7 डिग्री सेल्सियस। बस इतना सा आपको समझ में आ गया तो आपको K2 बाय K1 के भी पता लग गई है 3। T1 आपको पता है 7 डिग्री सेल्सियस यानी 280 केल्विन और T2 आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। इक्वेशन अप्लाई करना है लॉग टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू TA को कैलकुलेट करना है अपॉन 2.303 R इनटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। पुट करो वैल्यूज, K2 बाय K1 कितना 3, तो बनेगा लॉग 3 इज इक्वल्स टू TA कैलकुलेट करना है 2.303 इनटू, मान लो जूल्स में आपसे निकालना है तो R के रूप में पुट कर देंगे 8.314 इंटू 1 अपॉन T1 कितना 280 माइनस T2 कितना 300। इसको सॉल्व करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा घुमाकर दे सकता है फंडा वही टेम्परेचर चेंज हो रहा है, K2 K1 के लिए चेंज हो रही है, बस आपको घुमा दिया है कि आप गलती करो, तो गलती नहीं करनी है। टाइम अगर चेंज हो रहा है, जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसकी रेट कम होगी, जिसमें टाइम कम लगेगा उसकी रेट क्या होगी ज्यादा। तो ये था आपका आरएनएस इक्वेशन और उसका यूज। आरएनएस इक्वेशन आपको सिखाता है कि कैसे एक रिएक्शन की रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर रिएक्शन की रेट भी चेंज हो जाती है। ठीक, तो अब देखो हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नया जो टेंपरेचर का वेरिएशन दिखाता है, इसको आप बोलते हो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो क्या होता है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आरएनएस इक्वेशन को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है और ये समझाता है कि कैसे टेंपरेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती है। तो ध्यान से देखना, यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसको आप पहले भी गैसीय स्टेट में पढ़ चुके हो, बहुत आसान सा ग्राफ है, बस आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ठीक, पहले डाल रहे हैं हमें नेक्स्ट मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो क्या होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल ने कर्व बनाया बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनकी एनर्जी के बीच में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली, तो इनकी एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाया, ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप का। ठीक, ये आपके पास ग्राफ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस ग्राफ को हम, कुछ इस टाइप का आपके पास ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ का नेचर कहां से आया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहां पे कुछ पॉइंट्स जो देखने पड़ेंगे। देखो पहले ग्राफ को रीड करना आना, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, कि इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है और इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है। मतलब से बोल दो, अगर ये एनर्जी है तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी, यानी ये एनर्जी इतने मॉलिक्यूल्स के पास है, ये एनर्जी इतने मॉलिक्यूल्स के पास है। बुरा बात समझ में, तो इसको रीड करते हैं कि इस पॉइंट, ये पॉइंट बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और ये पॉइंट बता रहा है आपकी एनर्जी को। पता ये चीज क्या है, ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनके पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक, तो इसका खैर अपने यहां पर कोई यूज नहीं है, हमारे यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो यूज करने वाली वो कुछ अलग है। ध्यान से देखना, तो मैंने आपको ग्राफ को रीड करना सिखाया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो ये पॉइंट दिखा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को, किसको दिखा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो आप देखो इस ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या दे रहा है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा है।
तो देखो ये है ईए, अगर मैं इस पॉइंट के आगे चला जाऊं तो अब जितनी भी एनर्जीज आएंगी उनकी वैल्यू ईए से ज्यादा होगी, बोलो होगी। तो ये पॉइंट है ईए यानी एक्टिव एनर्जी, और इस पॉइंट के बियॉन्ड हर पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू एक्टिव एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा। अब देखो मैं इस एरिया की बात करूं, इसको मैं शेड कर रहा हूं, इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ईए, है ना। देखो ये जो शेडेड एरिया है क्या बता रहा है, ये उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बता रहा है जिनकी एनर्जी ईए से क्या है, ज्यादा। और वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ईए से ज्यादा होती है बताओ वो कौन सी कोलिजन शो कर सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं। बोले बात समझ में आ रही है आपको। तो हम मैक्सवेल्स का से चीज सीख रहे हैं कि ये जो आपके पास ईए के बाद का पॉइंट है वहां पर हर मॉलिक्यूल की एनर्जी ईए से ज्यादा होगी। तो अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूं तो इस शेडेड रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उनकी एनर्जी एक्टिव एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा। और वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिव एनर्जी से ज्यादा होती है वो कौन सी कोलिजन शो करते हैं बताओ, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, यानी रेट, रेट किस पर डिपेंड करेगी, इन मॉलिक्यूल्स के नंबर पर, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। हम रिएक्शन की रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी रिएक्शन की रेट, बोल सकता हूं। तो ये था एक किसी गिवन टेम्परेचर टी पर या टी वन पर बोल लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर बताओ क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने एक बार 500 मॉलिक्यूल ले लिए तो टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो मॉलिक्यूल्स तो 500 रहेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या दे रहा है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब उस ग्राफ के अंडर का एरिया भी चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में, चलो। तो टेंशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे, यानी ग्राफ का एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो जब ग्राफ का एरिया कांस्टेंट रहेगा अब क्या होगा, जैसे आप टेंशन बढ़ाओगे ग्राफ कुछ इस तरह शिफ्ट होता है, इसके पीक की हाइट डिक्रीज होती है, टेंपरेचर टी टू, टेंपरेचर टी टू इज ग्रेटर देन टी वन है, तो इसके पीक की हाइट डिक्रीज हो रही है और ये ग्राफ थोड़ा वाइड हो गया है, पहले नैरो था अब ग्राफ क्या हो गया है, वाइड। खैर ये नेचर है ग्राफ का। इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं इसी पॉइंट से कंपेयर कर रहा हूं, अब अगर आप ये शेडेड रीजन देखो, तो देखो पहले इतने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिव एनर्जी ज्यादा एनर्जी थी, अब जैसे आपने टेंपरेचर बढ़ाया ये और मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जिनके पास ईए से ज्यादा एनर्जी है, यानी ये वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हैं जो अब और ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं। अगर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं तो बताओ रिएक्शन की रेट भी क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। यानी मैं एक्चुअली कहना चाह रहा है कि टेंपरेचर बढ़ाने पर एक्चुअली होता क्या है, टेंपरेचर बढ़ाने पर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है जिनकी एनर्जी एक्टिव एनर्जी से क्या है, ज्यादा। यानी वो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं, और अगर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज द एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ईए एट टेम्परेचर टी। ठीक, तो अगर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होगा, रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। आरी बात समझ में, तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर पहले आप इसे ग्राफ फॉर्म में ही लिखो, और इसको आपको याद रखना है कि टेंपरेचर बढ़ाने पर एक्चुअली क्या होता है, टेंपरेचर बढ़ाने पर उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है जिनकी
एनर्जी ईए से क्या होती है ज्यादा, और जिनके एनर्जी ईए से ज्यादा होती है वो इफेक्टिव वॉल्यूम शो करेंगे, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी इंक्रीज। ठीक, तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, आप लिखो, मैं आपको लिखवा देता हूं इस चीज को। राइट राइट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ऐसा देखो ई ग्रेटर देन इक्वल टू ई ए, विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस एंड देयरफोर रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देयरफोर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड देयरफोर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, तो ध्यान रखना मैक्सवेल हमको सिखाता है कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने पर रिएक्शन की रेट चेंज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं। वैसे बताओ क्या आप मुझे इस शेड्यूल की एक्चुअल वैल्यू बता सकते हो, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल वैल्यू। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था जब आरएनई से क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि के जो होता है, के लास्ट क्लास कैसी क्लास पढ़ाता हमने, तो के जो होता है आपका के वो क्या होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो मैंने कोलिजन थ्योरी में आपको बताया था कि माइनस ई ए अपॉन आर टी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकता है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये जो शेडेड एरिया है ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी को। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ऑल्दो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया तो पूछा भी जा सकता है, ग्राफ बना दे, ये शेडेड रीजन दे दे, बताओ शेडेड रीजन किसको डिनोट करता है, ऑप्शन बना के दे देगा चार, तो उसमें जो सही होगा वो क्या होगा ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यही वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिव एनर्जी से क्या होगी ज्यादा। चलो, तो ये था अपना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आपको बताता है कि कैसे रिएक्शन की रेट टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो देखो मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया, हर एक पॉइंट मैं आपको गारंटी देता हूं कभी क्वेश्चन पूछेगा ना इनसे ऊपर एक भी पॉइंट नहीं आएगा, तो आप ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज को वापस से समझो, रिवाइज करो और फिर इसके ऊपर बेस आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं काइनेटिक्स काइनेटिक्स चैप्टर के, नेक्स्ट लेक्चर या हो सकता है उसके अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और सारा चैप्टर अपना कवर कर लेंगे।